हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं फिर से एक डिश लेके आई हूँ और ये खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी है। तो ये कैसे बनाया जाता है सजना सूरन की सब्जी, चलिए देखते हैं। देखिए मेरे पास सूरन कुछ है, एक 200 ग्राम के आसपास है। इसको हम कट कर लेंगे, हमें इस तरीके से इसको लंबे शेप में ही हमें काट लेना है। इस तरीके से लंबे शेप में ही हमें काट, पहले से सूरन को देखिए काट लिया अभी, और इसे मैंने पहले से ही काट के रखा था सजने को ड्रमस्टिक। अब इसको हम पानी गर्म करने रख देते हैं। में उबाल आ गई है, अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। और जो हमने काटे थे वेजिटेबल वो इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छे से हाफ कुक कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा इसमें हम डालेंगे, और ये देखिए राई है बारीक वाली, वो भी हम ले लेंगे। मेरे पास लहसुन है, अदरक है और प्याज है, वो भी हम डाल देंगे। एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए ये हाफ कुक हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इस पानी को भी हम निकाल लेंगे क्योंकि इसे भी हम फेंकेंगे नहीं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे धुआं आने तक। इसमें हम जीरा डालेंगे, पत्ता डालेंगे दो, और एक प्याज कटी हुई। देखिए प्याज गुलाबी हो चुकी है, अब जो हम पेस्ट बनाए थे वो हम इसमें डाल देंगे। चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्ची पाउडर और नमक। नमक ऑलरेडी इसमें डाला था इसलिए हम इसमें थोड़े ही डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक टमाटर और दो कच्ची मिर्ची ऊपर से हम इसे डाल देंगे। और इसे हम ढक के पका लेंगे। देखिए साइड साइड से तेल निकल के आ गई है, तो ये हो चुकी है। जो वेजिटेबल बॉईल किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके
इसके साथ में भी हम इसे हल्का भून लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला है जो सेंग का अंदर चले जाए अच्छे से, उसकी भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए इसके अंदर। थोड़ा सा हम कोरिएंडर लीव डाल देंगे। अब इसे हम ढक के 5 से 10 मिनट तक पका लेते हैं। देखिए भाजी हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। बनके पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी तो है ही, लेकिन ये स्वादिष्ट भी है। ऐसे बनके पूरे तरीके से रेडी हो चुका है और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। आप चाहिए तो मसाला स्किप करके आप प्लेन भी बना सकते हैं, तो ये पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएगा, और नहीं तो आप थोड़ी सी मसाला देके भी बना सकते हैं। तो गाइस, मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। पिछले वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।